जिले में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां जिले में पहला नामांकन इटावा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अरशद खुर्शीद ने किया है। और नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अरशद खुर्शीद ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया है और यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में एक भी कल कारखाना नहीं है जिससे लोगों को बड़े शहरों में पलायन करते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी से किया है और आदरणीय प्रियंका जी राहुल जी के आशीर्वाद से किया है। क्या इटवा के लिए आपने क्या रूपरेखा बना रखी, क्या विकास, क्या कमी रह गई? इटवा में भी कुछ हुआ ही नहीं। पहले जो लोग वहाँ पे थे, जो इटवा को इटावा बना रहे थे, उनका विकास आप पहले देख चुके हैं। बता रहे थे कि शुगर फैक्ट्री बनाएंगे, तमाम रोजी रोजगार देंगे, एक छोटा सा भी कारखाना वहाँ पे मौजूद नहीं है। और हमारे जो मित्र जो पिछले 5 साल से मंत्री और विधायक है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर चला गया है। मगर इटवा शून्य था, शून्य पे ही है। हाँ, वो ज़रूर शिखर पे है। तमाम आप मीडिया के बंधु सब जानते हैं कितने मामलात उनके चल रहे हैं, NDTV से लेकर तमाम चैनलों ने दिखाए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं जानते हैं। किसकी लड़ाई मार रहा है? किसी से लड़ाई नहीं। ऊपर वाले ने चाहा, पिछली बार भी मैं फर्स्ट रनर अप था, मगर कुछ ऐसी आंधी चली कि लोगों ने धर्म जात के नाम पे चीज़ों को फैलाया। और इस 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी से, परेशानियों से झेल के समझ चुकी है। अपराध जिस तरह से है पूरे प्रदेश में, आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं, और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं निश्चित तौर पर जीत गया हूँ। जीतेंगे तो इटवा के लिए क्या करेंगे? इटवा के लिए सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, जैसे इटवा में एक भी कारखाना नहीं है और बहुत बड़े लेवल पर लोग पलायन करके महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे हैं, और हर कोई वहाँ पे सेठ नहीं है। बहुत सारे हमारे बड़ी तादाद में नंबर्स, बड़े नंबर्स में लोग ऐसे हैं जो 8,000, 7,000 और 10,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्री लेके आऊँ, यहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उनका रोज़गार हो। यहाँ की शिक्षा के जो हालात हैं, वो भी शिक्षा मंत्री होते हुए भी आपने देखा, अभी स्वास्थ्य के भी यही हालात हैं। एक कोई मल्टी सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल नहीं है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का ज़िला है ये। तो सारी चीज़ों पे विफल रहेगी ये सरकार और दीगर में जो सरकार।